गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप पढ़ रहे हैं पावर पॉइंट स्टडी में डेली करंट अफेयर। ठीक है, हम उसमें पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें पावर पॉइंट स्टडी में डेली करंट अफेयर। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर। कितनी तारीख के हम पढ़ेंगे? 16 जनवरी की डेली करेंट पढ़ेंगे और आज है 17 जनवरी। ठीक है, मोदी ने, पीएम मोदी ने 16 जनवरी को क्या बनाया? 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में बनाया। किसका? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया। ठीक है, किस लिए मनाया? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मोदी ने क्या बनाया? इसको मनाया। ठीक है, इसमें क्या क्या बनाया? इसमें स्टार्टअप के लिए नए भारत की रीढ़ और स्वतंत्रता के 100वें वर्ष तक देश की आर्थिक विकास की गति को देने वाला इंजन बताया। ठीक है, क्या बताया इन्होंने, मोदी ने बताया, ये नए भारत की ओर ठीक है, नए भारत की रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी और राष्ट्र और स्वतंत्रता राष्ट्र स्वतंत्रता के 100वें वर्ष 100वें वर्ष तक देश 100वें वर्ष तक देश के आर्थिक विकास आर्थिक विकास को गति देने वाला इंजन है। ठीक है, कौन है? मोदी जी की चलाया गया राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस जो कि 16 जनवरी को मनाया जाएगा। ठीक है, इसके लिए इन्होंने बताया कि ये नए भारत की रीढ़ की हड्डी है जो स्वतंत्रता दिवस के 100वें वर्ष तक देश के आर्थिक विकास को क्या करेगी, एक तरीके से संबोधित करेगी, एक इंजन का काम करेगी। ठीक है, वर्तमान समय में भारत को किस नाम से जाना जाता है? टेक्नो एट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वर्तमान भारत किसके नाम से जाना जाता है? टेक्नो एट के नाम से जाना जाता है। अखिल भारतीय परिषद द्वारा परिषद को केरल में कौन सा फर्स्ट विश्ववाधिर टी ट्वेंटी क्रिकेट चैंपियनशिप मेजबानी करने के लिए किसके द्वारा मिल गई इनको? इनके इधर सहमति भी चाहिए होती है। ठीक है, इसके इनको बायदेरो की अंतर्राष्ट्रीय खेल परिषद से क्या मिल गई? इनको परमिशन मिल गई। ठीक है, किसका? अखिल भारतीय परिषद को केरल के फर्स्ट विश्व बाघेर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप की मेजबानी करने के लिए बाघेरों की अंतर्राष्ट्रीय खेल परिषद से क्या मिल गई? इनको परमिशन मिल गई। ठीक है, जिसके द्वारा ये
ये T20 10 से 20 जनवरी को 2023 तक, 2023 तक आयोजित किया जाएगा, ठीक है। इनसे 10 से 20 जनवरी मतलब हर साल, ठीक है, 10 से 20 जनवरी हर साल 2023 तक आयोजित करेगा, ठीक है, आयोजित करेगा, ठीक है, आयोजित करेगा, ठीक है, इसको यही आयोजित करेगा। इसमें कम से कम, इसमें कम से कम 8 देशों में भाग लेना होगा, लेने की उम्मीद है, मतलब लेने की उम्मीद है, ठीक है, उम्मीद है, ठीक है। कितने 8 देशों के लेने भाग लेने की क्या है उम्मीद है, ठीक है। इसमें 8 देशों के भाग लेने की उम्मीद है। इसको किसके द्वारा, इसको AISCD बागियो बाधिरो सॉरी बाधिरो के लिए एकमात्र ऐसा कौन सा, एकमात्र राष्ट्रीय, एकमात्र राष्ट्रीय खेल संघ है, एकमात्र राष्ट्रीय खेल महासंघ है, ठीक है, जिसने किसने जिसके द्वारा जिसको किसने केंद्र ने मानता, जिसको केंद्र ने मान्यता दी है, मान्यता दी है, ठीक है। इस संघ को मतलब एक तरीके से केंद्र द्वारा मान्यता दी गई है, अभी तक किसी को भी केंद्र द्वारा मान्यता नहीं दी गई, इसमें बताया गया है, ठीक है। इसको बताया गया कि अभी तक किसी भी खेल को केंद्र द्वारा मान्यता नहीं दी गई। ठीक है, अब पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। SBI के पूर्व, ठीक है, SBI के पूर्व अध्यक्ष अनुन्नति आचार्य भट्ट की आत्मकथा, ठीक है, क्या हुआ, SBI के पूर्व अध्यक्ष, SBI के पूर्व अध्यक्ष क्या किया, SBI के पूर्व अध्यक्ष जिनका क्या नाम है, अरुंधति भट्टाचार सॉरी भट्टाचार, ठीक है, इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, ठीक है, इन्होंने अपनी क्या लिखी, आत्मकथा, ठीक है। इस आत्मकथा का नाम क्या है, आत्मकथा लिखी इन्होंने, ठीक है, जिसका नाम इन्होंने क्या दिया है, डेमडोमी टेबल, ए वार्किंग, वूमेन्स ठीक है। इन्होंने क्या, इन्होंने एक आत्मकथा लिखी जिसका नाम क्या है, डेमडोमी टेबल ए वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप, ठीक है। इन्होंने मतलब अपने जीवन के बारे में पूरी तरह से बताया, ठीक है, कि उन्होंने किस तरीके से अपनी मतलब जीवन को जिया है, और उन्होंने लाइफ में क्या किया, लाइफ में कैसा काम किया और कैसी लीडरशिप को अपनाया, ठीक है। इनके द्वारा
इन्हें 2016 में फोर्ब्स के द्वारा फॉरवर्ड के द्वारा इन्हें 25वां स्थान प्राप्त हुआ था। किस चीज़ में हुआ था यही बताते रुकना, ठीक है, इन्हें क्या हुआ था, 25वां स्थान प्राप्त हुआ था, ठीक है, 2016 के फॉरवर्ड ने 25वां स्थान दिया था, ठीक है, किसमें दिया था, ये दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट जारी करता है, सबसे शक्तिशाली, महिलाओं की सूची, सूची में इन्होंने 25वां स्थान प्राप्त किया था, ठीक है। यह एकमात्र ऐसी भारतीय, कौन सी है, एकमात्र ऐसी भारतीय है, ठीक है, ऐसी भारतीय है, कौन है, एकमात्र ऐसी भारतीय है जिनको इंसी बॉक्स इंसी बॉक्स है जो फॉर्च्यून की दुनिया के फॉर्च्यून मोहतम की लीडरशिप लीडर्स की सूची में इन्होंने 26वां स्थान प्राप्त किया था, ठीक है, ठीक है, क्या थी, मतलब ये दुनिया में एकमात्र ऐसी भारतीय हैं जिन्होंने इन सी बॉक्स में फॉर्च्यून की दुनिया की सबसे महानतम लीडर्स की सूची में इन्होंने 26वां स्थान प्राप्त किया था। सिर्फ एकमात्र ही भारतीय हैं जिन्होंने इस चीज को करके दिखाया, ठीक है। ठीक है, हरियाणा के उपमंत्री, ठीक है, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री क्या, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री क्या नाम है, दुष्यंत चौटाला, ठीक है। इन्होंने क्या घोषित किया, इन्होंने ये बताया कि हरियाणा के जो उप सीएम हैं जिनका नाम दुष्यंत चौटाला है, इनके द्वारा यह बताया गया कि यह गुरुग्राम में, कहाँ पे, यह गुरुग्राम में, यह गुरुग्राम में एक हेली हब, ठीक है, इन्होंने बताया कि ये हरियाणा के उपमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि गुरुग्राम में क्या करेंगे, एक हेली हब की शुरुआत करेंगे, ठीक है, इस हेली हब में क्या करेंगे, ये भारत का पहला हेली हब होगा, ठीक है, ये गुरुग्राम का और भारत का फर्स्ट हेली हब होगा, ठीक है, मतलब एक तरीके से हेलीकॉप्टर को हेलीकॉप्टर के लिए एक स्थान पर सभी सुविधाओं का होना उसको हेली हब कहते हैं, ठीक है, इस चीज़ को बताया गया, यह देश का, यह मतलब भारत का देश का यह पहला हेली हब होगा जहाँ पर हेलीकॉप्टर के लिए एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं
होंगे, ठीक है। इस चीज़ को बताया, किसने बताया? हरियाणा के उप सीएम ने, दुष्यंत ने बताया, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, इसका उद्देश्य भी तो होगा कुछ, एक बेफालतू में थोड़ी ना कोई बनाएगा। इसका उद्देश्य, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय राजधानी के लिए, राष्ट्रीय राजधानी के लिए, हाँ, विभिन्न राष्ट्रीय राजधानी के लिए विभिन्न हेलीकॉप्टर सेवाओं का, विभिन्न हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए प्रस्तावित लैंडिंग और टेक ऑफ, ठीक है, लैंडिंग और टेक ऑफ पॉइंट बनाना, ठीक है, पॉइंट बनाना, ठीक है। क्या है? राष्ट्रीय राजधानी के लिए विभिन्न हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए लैंडिंग और टेक ऑफ का पॉइंट बनाना, ठीक है। इस चीज़ को बताया गया है, ठीक है, ये चीज़ को बताया गया है, ठीक है। किसकी किसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य हरियाणा के उप सीएम दुष्यंत चौटाला का उद्देश्य गुरुग्राम में एक हेली हब बनाना, ठीक है, जिसका उद्देश्य हेलीकॉप्टर के लिए एक स्थान पर सभी सुविधाओं को मुहैया कराना, और उसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी के लिए विभिन्न हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए लैंडिंग और टेक ऑफ की पॉइंट बनाना, ठीक है। ये इसका क्या है? ये इसका उद्देश्य है, ठीक है, ये इसका उद्देश्य है, ठीक है। अब क्या है? जनवरी 2022 को, ठीक है, जनवरी 2022 को, ठीक है, एक त्यौहार मनाया गया, ठीक है। इस त्यौहार का नाम क्या है? लुंगसुंग त्यौहार, ठीक है। कब मनाया गया? ये 16 जनवरी को मनाया गया, ठीक है। इस त्यौहार का उद्देश्य क्या है? यह त्यौहार क्यों मनाया जाता है और कहाँ मनाया जाता है, ठीक है, इस चीज़ को बताएंगे हम। यह सिक्किम की, ठीक है, यह कहाँ पे? सिक्किम में, यह सिक्किम में, यह सिक्किम में नव वर्ष का एक त्योहार है, ठीक है, यह सिक्किम का नव वर्ष का त्योहार है, ठीक है, नव वर्ष का त्योहार है और कार्निवल है जो कि तिब्बत के कार्निवल है पूरा, जो जो कि जो कि तिब्बती चंद्र कैलेंडर कैलेंडर के, ठीक है, जो कि तिब्बत के चंद्र कैलेंडर के 10वें महीने, ठीक है, क्या हुआ? 10वें महीने के संपन्न वार्षिक, ठीक है, संपन्न वार्षिक फसल मौसम के, फसल मौसम के अंत में जश्न मनाया जाता है, ठीक है, क्या है? यह सिक्किम का एक नव वर्ष का त्यौहार है और कार्निवल है, ठीक है, कार्निवल है, ठीक है,
जो कि तिब्बती चंद्र कैलेंडर के 10वें महीने के संपन्न वार्षिक फसल मौसम के अंत में जश्न मनाया जाता है। ठीक है, फसल की अच्छी फसल होती है तो इस चीज़ का जश्न मनाया जाता है। ठीक है, ये अपने जश्न जश्न को इस तरीके से क्या करते हैं, बताते हैं। ठीक है, ये 3 जनवरी को सिक्किम में और 4 जनवरी को, ठीक है, 4 जनवरी को मिजोरम में मनाया जाता है, मिजोरम में मनाया गया। ठीक है, ये मिजोरम में मनाया गया। ठीक है, और क्या है इसके बारे में, एक चीज़ और है, यह त्यौहार कहाँ कहाँ मनाया जाता है। यह त्यौहार भारत, भूटान, जो भारत, भूटान और नेपाल के भूटाया और लेपचा, ठीक है, लेपचा जनजातियों में मनाया जाता है। ठीक है, लेपचा जनजातियों में क्या किया जाता है, इस चीज़ को मनाया जाता है। ठीक है, इन जनजातियों में इसका क्या होता है, इस चीज़ को मनाया जाता है। ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है जी, आएंगे। ठीक है, ये पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसी चीज़ उन्हीं उन्हीं को बताया जाएगा, ज़्यादा ऊपर मुवर मतलब और इधर उधर का आपको लोगों को नहीं बताया जाएगा। इसमें नेक्स्ट पर पढ़ेंगे। ठीक है, चौदह जनवरी को, ठीक है, 14 जनवरी 2022 को क्या हुआ, इसको पोंगल के अवसर पर, ठीक है, पोंगल के अवसर में एक मतलब तमिलनाडु में एक चीज़ का आयोजित किया गया। कहाँ पे, पोंगल के अवसर पर, पोंगल के अवसर पर तमिलनाडु में, ठीक है, क्या हुआ, पोंगल के अवसर पर तमिलनाडु में एक बुल, किसकी, एक बुल, एक बुल नहीं, बुल टैनी मैंक, खेल आयोजित किया गया, खेल आयोजित किया गया। ठीक है, ठीक है, क्या हुआ, इस खेल को आयोजित किया गया, यह खेल कहाँ आयोजित किया गया और क्यों आयोजित किया गया, ये तो आपको अभी पूरा बताएंगे। ठीक है, ये क्या है, एक बुल प्रतियोगिता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो बुल होता है और उसका बुल का मालिक होता है, ठीक है, तो क्या होता है, जो जो मालिक होता है और जो बुल के ऊपर जो बैठने वाला होता है, अगर वो बुल बुल के ऊपर बैठ गया कुछ टाइमिंग के मतलब उस अंतराल में, तो उसको पुरस्कार मतलब उसको विजेता घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, मगर अगर वो बुल पे नहीं बैठ पाए तो उसके बुल के मालिक को, ठीक है, बुल के मालिक को पुरस्कार मतलब पुरस्कार घोषित कर मतलब पुरुष एक तरीके से विजेता घोषित कर दिया जाता है। किसके, बुल के मालिक को, अगर वो 1 मिनट या 2 मिनट जितना भी टाइम होती है उसमें नहीं बैठ पाया वो बंदा दूसरा जो बुल को अपने कंट्रोल में करना चाहता है, तो मालिक विजेता, और अगर वो उसमें बैठ गया तो वो विजेता। ठीक है, तो उसमें उसको पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, ये कहाँ पे आयोजित हुई, ये हुई मदुरई जिले के, कौन से गांव है, मदुरई जिले के अवनिया पुरम में। ठीक है, मदुरई जिले के अमरिया पुरम में। ठीक है, और यह कितने दिन का है, ये 4 दिवस फ्रेंड्स, 4 दिवसीय फसल उत्सव है। ठीक है, ये 4 दिवसीय फसल, 4 दिवसीय फसल उत्सव है, जो उत्सव के तीसरे दिन, ठीक है, तीसरे दिन मटुमंग पोंगल के हिस्से के रूप में,
हिस्से के रूप में आयोजित किया गया, आयोजित किया गया। ठीक है, क्या होगा इस चीज को बताया गया कि मदुरई जिले के अवनी नियापुरम, ठीक है, और 4 दिवसीय फसल उत्सव के तीसरे दिन मटर में पोंगल के हिस्से के रूप में इसको आयोजित किया गया। ठीक है, इसको बताया गया। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट और इसमें, भारत भारत जल्द ही इंडिया जल्द ही ई पासवर्ड, ठीक है, ई पासपोर्ट क्या करने वाला है, ई पासपोर्ट लॉन्च करने वाला है। ठीक है, यह रेडियो फ्रिक्वेंसी किसके, यह रेडियो फ्रिक्वेंसी, यह रेडियो फ्रिक्वेंसी, यह रेडियो फ्रिक्वेंसी और आई आइडेंटिफाई आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन और बायोमेट्रिक, ठीक है, और बायो बायोमेट्रिक्स का क्या करेगा, उपयोग करेगा। ठीक है, इस ई पासवर्ड में क्या होगा, ये रेडियो फ्रिक्वेंसी और आई डेटे आई मतलब एक तरीके से आई स्कैनिंग, आई डेटेंटिफिकेशन और बायोमेट्रिक पर आधारित होगा। ठीक है, इस ई पासवर्ड में एक बायो डेटा सुरक्षित होगा। ठीक है, इस नए पासवर्ड में बायो डेटा, बायो डेटा, ठीक है, बायो डेटा बायोमेट्रिक तरीके से, किसके बायो डेटा, बायोमेट्रिक द्वारा क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। सुरक्षित रहेगा, ठीक है, इसमें पासवर्ड की एक चिप रहेगी, ठीक है, एक जैक में एक चिप रहेगी, ठीक है, जो क्या करेगी, अपने डाटा को क्या रखेगी, एनी कोडेक्ट होगी। ठीक है, इस जो कि एक चिप रहेगी जो कि अपने बायोमेट्रिक डाटा को क्या रखेगी, सुरक्षित रखेगी, और किसी प्रकार के फ्रॉड होने पर किसी प्रकार के फ्रॉड होने से ये बचाएगी। ठीक है, इस ई पासपोर्ट को भारत जल्द ही लॉन्च करने वाला है। ठीक है फ्रेंड, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, जो लोग नहीं हैं उन लोगों को भी ऐड करा दीजिए। थैंक्स फ्रेंड्स।